नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम राहु से प्राप्त होने वाले शुभ फलों के विषय में चर्चा करेंगे। कुंडली के अलग अलग भावों में राहु के किस प्रकार के शुभ फल दिखाई देते हैं और किन परिस्थितियों में दिखाई देते हैं, इनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु कुंडली में अधिकतर शुभ फल प्रदान नहीं करता, जैसा कि आपने ऑलरेडी सुना हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है कि राहु के हमेशा बुरे फल ही मिलते हैं। राहु किन परिस्थितियों में अच्छे फल देता है, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। देखिए, राहु के फल अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, ये देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा लग्न, कि आपकी किस लग्न की कुंडली है। क्योंकि राहु वृषभ लग्न की कुंडली में तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न या फिर मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में राहु ग्रह कारक माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये पहला बिंदु हुआ जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि जिस भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पर राशि का अंक क्या लिखा हुआ है। राशि का अंक यदि वृषभ राशि का लिखा हुआ है, यानी दो नंबर का अंक लिखा हुआ है, सात नंबर का अंक लिखा हुआ है, तीन नंबर का अंक लिखा हुआ है, या छः नंबर या फिर दस नंबर या फिर ग्यारह नंबर का अंक लिखा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि राहु इन राशियों में अच्छा प्रभाव देंगे। पहले नंबर पर लग्न देखिए, दूसरे नंबर पर आप देखिए कि किस राशि में बैठा हुआ है, तो इन राशियों में राहु ग्रह अच्छा रिजल्ट सामान्यता देते हैं। ये दूसरी शर्त हुई। तीसरे में आपको ये देखना होगा कि राहु ग्रह स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय या उच्च का है। तो देखिए कि मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं और कन्या राशि को राहु ग्रह स्वयं की राशि मानते हैं, यानी स्वराशि के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट ये देंगे। बाकी की राशियों में ये मित्र राशि के माने जाएंगे और वहाँ पर भी सामान्यता ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनके फल अलग अलग भावों में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। हालांकि आज हम अशुभ फलों की चर्चा नहीं करेंगे, केवल शुभ फलों को जानेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि राहु ग्रह के अलग अलग भावों में क्या फल हो सकते हैं, शुभ फलों की आज हम चर्चा करते हैं। मित्रों, राहु ग्रह यदि स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि के होकर कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएं कारक लग्नों के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक में चतुराई का गुण पाया जाता है। जातक चतुराई पूर्वक कार्य करने वाला होता है, तकनीकी क्षेत्रों का जानकार हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती है। जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण ऐसा जातक रहता है, विशेष रूप से राहु ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान। काम निकालने का गुण जातक के अंदर पाया जाता है, ये अच्छे रिजल्ट होते हैं जो कि लग्न भाव में उपस्थित राहु के दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं, राहु ग्रह यदि कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाए तो क्या शुभ फल हो सकते हैं। मित्रों, राहु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कारक लग्नों में यदि पर्याप्त अंश बल के साथ धन भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक व्यवहार कुशल होता है, विरोधियों को परास्त करने की क्षमता ऐसा जातक रखता है, कानूनी मामलों में सफलताएं ऐसा जातक प्राप्त कर लेता है राहु की दशा या अंतरदशा के दौरान विशेष रूप से। इसके अलावा जातक का जीवन अच्छा रहता है, यानी धन संपन्नता जातक के जीवन काल में बनी रहती। मित्रों, राहु ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएं लेकिन स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कारक लग्नों में, तो ऐसी परिस्थिति में राहु ग्रह जातक को यहाँ पर शुभ फल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव में ये अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी बनी रहती है, मार्केटिंग इत्यादि के क्षेत्रों में जातक सफलताएं प्राप्त करता है, स्वाभिमानी होगा, लोगों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला ऐसा जातक रहता है, परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है, संसार के दुखों का निवारण ऐसे राहु यहाँ पर बैठकर, यानी पराक्रम भाव में बैठकर कर देते हैं। जातक के जीवन में धन धान्य परिपूर्ण मात्रा में बना रहता है, विशेष रूप से राहु की दशा या अंतरदशा के दौरान जीवन काल में धन की कमी नहीं रहती, कहीं ना कहीं से जातक के पास धन आगमन बना रहता है, जातक निर्भीक होगा, जातक को कर्ज से भी बचाने का प्रयास ऐसे राहु ग्रह विशेष रूप से करते हैं, बशर्ते कि इनकी नीच दृष्टि या फिर शत्रु दृष्टि उस भाव पर ना जा रही हो। मित्रों, ठीक इसी प्रकार यदि राहु ग्रह कुंडली के छठवें भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, विशेष रूप से कारक लग्नों के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में राहु ग्रह कुंडली के छठवें भाव में भी अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है, राजनीतिक क्षेत्र में जातक को ये राहु ग्रह सफलता प्रदान करते हैं, विशेष रूप से अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान, यानी अनिष्टों का निवारण करने की क्षमता राहु ग्रह जातक को यहाँ पर प्रदान कर देते हैं। कानूनी मामलों में भी ये इस प्रकार के राहु ज्यादातर सफलता ही प्रदान करते हैं। जातक अच्छा वकील
मुश्किल भी हो सकता है। धन के लिए जातक को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता यदि राहु ग्रह स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर कारक लग्नों के होकर छठे भाव के अंदर बैठ जाएं तो दशा अंतरदशा जातक के लिए सामान्यतः सुफलदायी होती है। ध्यान रखें जहां पर इनकी दृष्टियां जाएंगी वहां पर निर्भर करेगा कि ये मित्र दृष्टि जा रही है शत्रु दृष्टि जा रही है। यदि मित्र दृष्टि जा रही है तो वहां पर ये लाभ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि शत्रु दृष्टि जा रही है, नीच राशि की दृष्टि जा रही है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम इनसे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं यदि राहु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के शुभ फल हो सकते हैं। देखिए राहु ग्रह यदि स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कारक लग्नों में यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक को विदेश से लाभ होता है। ठीक है, जातक साहसी भी होगा, काम निकालने का गुण भी जातक के अंदर पाया जाएगा, राहु की दशा या अंतरदशा जातक को लाभ देती है ऐसा देखा गया। ध्यान रखिएगा कि आज के वीडियो में हम निगेटिव प्रभाव की या निगेटिव रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल शुभ फलों को ही जान रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुंडली के सप्तम भाव में राहु ग्रह बैठेंगे तो कुछ अशुभ प्रभाव नहीं देंगे, देते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बात करते हैं यदि राहु ग्रह कुंडली के नवे भाव के अंदर यानी भाग्य भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए राहु ग्रह यदि स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कारक लग्नों के होकर यदि नवम भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक के विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विशेष रूप से यात्राओं के योग ऐसे राहु ग्रह कर देते हैं। जातक एक अच्छा चिकित्सक भी हो सकता है यदि अन्य ग्रहों का सपोर्ट उसे मिल जाए। आइए बात करते हैं कि राहु यदि कुंडली के दशम भाव के अंदर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। तो राहु ग्रह यदि कुंडली के दशम भाव के अंदर बैठ जाते हैं स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर कारक लग्नों में तो ऐसी परिस्थिति में जातक को राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता ये राहु ग्रह प्रदान करते हैं, क्योंकि कुंडली के दशम भाव में भी ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। जातक अच्छा टेक्नीशियन हो सकता है, कंप्यूटर का जानकार हो सकता है, यानी तकनीकी मामलों का जानकार ऐसा जातक रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में तो सफलता देते ही देते हैं, इसके अलावा राज्य सरकार से या कह सकते हैं पिता का सुख भी जातक को जीवन काल में प्राप्त होता है। ऐसे राहु ग्रह जातक का कर्म क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से उसका जो जीवन है आसान बनाने का कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम दृष्टियों की जब भी बात करें तो दृष्टि ये देखिए आप मित्र दृष्टि जा रही है या शत्रु दृष्टि जा रही है। यदि मित्र दृष्टि जा रही है तो लाभ देगी, शत्रु दृष्टि जा रही है तो वह नुकसान दे सकती है। लेकिन आज हम केवल सुफलों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए असुफलों को नहीं ले रहे हैं। आइए बात करते हैं यदि राहु ग्रह कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल दिखाई देते हैं। देखिए राहु ग्रह यदि कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाते हैं स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कारक लग्नों में तो जातक को कई तरीके से सफलता प्रदान करते हैं। धनागमन की दृष्टि से ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है। जातक कुशल वक्ता हो सकता है, पिता का सुख जातक को प्राप्त होता है, मित्रों से लाभ भी जातक को मिलता है। ठीक है, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी ये राहु ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान कर देते हैं। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि राहु ग्रह एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है और इससे ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि यदि ये शुभ फल दे रहा है तो अशुभ फल नहीं देगा। इसके अशुभ फल होते हैं, अलग अलग भावों में इसके अशुभ फल दिखाई देते हैं, इनकी दृष्टियों के फल भी अशुभ होते हैं, क्योंकि राहु भ्रम उत्पन्न करेगा। जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव पर दृष्टि डालेगा, वहां पर कुछ ना कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर ही देता है, जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। इसके अलावा मैंने कुंडली के अष्टम भाव, कुंडली के द्वादश भाव, कुंडली के चतुर्थ भाव और कुंडली के पंचम भाव में राहु के फलों पर विचार नहीं किया, क्योंकि इन भावों में राहु के मैक्सिमम रिजल्ट जो है निगेटिव ही दिखाई देते हैं। चाहे भले ये स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि का होकर बैठ जाए, ऐसी परिस्थिति में भी निगेटिविटी दिखाई देती है, जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।